है बच्चों, वेलकम टू द एन सीरीज ऑफ न्यू मास फिजिक्स। तो आज क्या पढ़ेंगे बच्चों? हम आज पढ़ेंगे वेलोसिटी। इससे पहले के लेक्चर में हमने स्पीड नाम की चीज पढ़ी थी। जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो लेक्चर देख सकते हैं। उसमें स्पीड को डिटेल में समझाया गया है और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हमने किए हैं। बात वेलोसिटी की करते हैं, जो कि स्पीड की ही बहन है। बस अंतर है थोड़ा सा, क्योंकि वो थोड़ी सी शाणी है, ये थोड़ी सी आणी है। ठीक है, मतलब जो भी समझो। तो वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी क्या होती है? देखो, स्पीड और वेलोसिटी में सीधा सा अंतर है। स्पीड होती थी डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड होती थी क्या? स्पीड स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, स्पीड कभी निगेटिव नहीं हो सकती, जबकि वेलोसिटी निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना ये। ठीक है ना? तो ये स्पीड और वेलोसिटी का थोड़ा सा सार था। वेलोसिटी की अगर हम बात करें, यहाँ वेलोसिटी समझने की बात करें अगर हम यहाँ, तो देखो वेलोसिटी को कैसे लिखेंगे। वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी। तो भैया क्या डेफिनेशन बनेगी वेलोसिटी की? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। उसकी क्या होती थी? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। यहां क्या आ जाएगा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना, टाइम के रेस्पेक्ट में। अच्छा, डिनोटेड बाय, डिनोट किससे करते हैं? डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय वी कैपिटल वाला, कैपिटल वाले वी से। क्वांटिटी कैसी है? ये क्वांटिटी है भैया हमारे पास स्केलर, वो वेल वेक्टर। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। और यूनिट क्या होगी इसकी भला? इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो ये है भैया हमारे पास क्वांटिटीज, है ना। फॉर्मूला अगर हम लिखे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेलोसिटी वी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या एक्स अपॉन टी, है ना। तो ये है हमारे पास वेलोसिटी की बात। ये फॉर्मूला बना हमारे पास भैया, इसे बॉक्स में बंद कर दो। अब वेलोसिटी को डिफाइन तो ऐसे करते हैं, कोई शक वाली बात नहीं। अब वेलोसिटी भी दो टाइप की होती है, एक एवरेज वेलोसिटी और एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी पहले तो लिखेंगे, वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो तुम यहाँ से, ये है तुम्हारे पास एक बाइक है भाई। क्या है ये? एक बाइक। लो भाई ये रहा बाइक, और तुम इस बाइक पे बैठे हो, ये बाइक का हैंडल हुआ तुम्हारे पास ये रहा, और यहाँ बैठे हो तुम हीरो बन के राइडर, यहाँ से पकड़ के हैंडल और भैया चल रहे हो। जब तुम आगे जा रहे हो तो मान लो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना है? एक्स। और कितना टाइम लगा पहुँचने में? ए से बी पे पहुँचने में टाइम कितना लगा यहाँ पे? यहाँ पे टाइम लगा तुम्हें कितना, कितना टाइम लगा बाबू? यहाँ टाइम लगा टी। तो क्या हो जाएगा? एक्स अपॉन टी। यही सिंपल सा है ना फंडा है। अब मैंने क्या बताई बात? मैंने बात कही तुमसे क्या? तो मैंने क्या बात कही तुमसे कि वेलोसिटी पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। हमें कुछ एग्जांपल लेना पड़ेगा कि पॉजिटिव किस केस में, निगेटिव किस केस में और जीरो किस केस में हो गया ना। पॉजिटिव कब होगी, निगेटिव कब होगी, जीरो कब होगी, जैसा हमने डिस्प्लेसमेंट देखा था। तो ठीक है, देखते हैं भैया लिखेंगे क्या। पॉजिटिव वेलोसिटी, किसकी बात करेंगे? पॉजिटिव वेलोसिटी, पॉजिटिव वेलोसिटी। देखो पॉजिटिव वेलोसिटी के लिए क्या है, एग्जांपल लेते हैं पॉजिटिव वेलोसिटी के लिए। व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, क्या हो? जब डिस्प्लेसमेंट क्या हो? पॉजिटिव। व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा तब पॉजिटिव वेलोसिटी होगी। जैसे कि मान लो ये पॉइंट ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट है मान लो 5 मीटर, है ना। और टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में? टाइम लगा, यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, उसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगेगा? उसे टाइम लगा भाई कितने सेकंड? 10 सेकंड लगे, है ना। तो क्या होगी वेलोसिटी? वेलोसिटी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 5। टाइम कितना है? 10।
तो क्या आया 0.5 मीटर पर सेकंड। तो पॉजिटिव है ये, है ना, नेगेटिव नहीं है, क्योंकि कोई चीज़ सीधी चल रही है, कहीं मुड़ी नहीं, कहीं रिटर्न नहीं हुई, कहीं टर्न नहीं हुई, तो क्या कह देंगे भाई, ये पॉजिटिव वेलोसिटी का एग्जांपल। लेकिन वही अगर हम बात करें नेगेटिव वेलोसिटी की, किसकी बात करें, नेगेटिव वेलोसिटी के लिए देखो क्या होता है। नेगेटिव वेलोसिटी के लिए होता है व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव, जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी। क्या लिखेंगे, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे होता है, मान लो हमारे पास यहां से यहां एक वो है पाथ है ए से बी, और ये पाथ मुड़ करके वापस कहां जा रहा है, मान लो यहां से है वो पाथ ए से बी, और ये वापस मुड़ करके टर्न होकर के कहां आया, सी पे आया। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है भैया हमारे पास 3 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना, 10 मीटर। ठीक, अब एक पर्सन है वो यहाँ से स्टार्ट किया चलना, पहले ऐसे बी पे पहुँचा, पहले ऐसे कहाँ पहुँचा, बी पर, फिर बी से सी पर आया, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ, निगेटिव हुआ। जब डिस्प्लेसमेंट निगेटिव तो वेलोसिटी निगेटिव। कैसे पता चला डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है, टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगा 1 सेकेंड, है ना, और वापस यहाँ से रिटर्न होने में टाइम कितना लगा T2, यहाँ लगा 5 सेकंड मान लिया हमने। ठीक, यहाँ लिखो यहाँ कितने सेकंड, 6 सेकंड लगे यहाँ, यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 सेकंड और यहाँ से वापस आने में 6 सेकंड हमें टाइम लगा, कोई दिक्कत नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होता है क्या, ये प्लस ये, तो देखो ये वाला डायरेक्शन तो पॉजिटिव, तो 3 प्लस आएगा, और ये वापस पीछे को आ रहा, अरे आगे चल के बी से रिटर्न होकर के पीछे को आया ना, तो -10 आ जाएगा। इस डायरेक्शन में नेगेटिव, उस डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं तो क्या हो जाएगा, -7 मीटर, और टाइम कितना हुआ, टोटल टाइम हुआ 1 सेकंड प्लस 6 सेकंड, 7 सेकंड हुआ टाइम। तो वेलोसिटी हो जाएगी हमारे पास, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट -7 और ये 7 क्या आया, -1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो कैसा निगेट, कैसी वेलोसिटी आई है, निगेटिव वेलोसिटी क्यों आई है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव था, है ना। बात करते हैं जीरो वेलोसिटी कब होगी, देखो जीरो वेलोसिटी का केस देखते हैं भैया। मान लो कोई पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ ए से, चलना बी तक चला, है ना, कितने डिस्टेंस कवर की उसने, 3 मीटर की डिस्टेंस कवर की, कितने सेकंड में कवर की, 6 सेकंड में हमने कवर कर दी 3 मीटर की डिस्टेंस। वापस ये चल, पहले तो यहाँ से ऐसे गया, फिर वापस चल के वापस उसी पॉइंट पे आया, पहले ए से बी पे गया, फिर बी से ए पे आया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या, जाने का +3 और आने का -3, तो 0। तो टाइम कितना लगा भैया, टाइम कितना, 6 सेकंड जाने का +6 सेकंड, टाइम निगेटिव नहीं हो सकता कभी भी, टाइम तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो कितना हुआ, 12 सेकंड। तो बात करते हैं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी जाएगी क्या, x अपॉन टी या 0 अपॉन 12, किसी भी नंबर के नीचे जीरो के नीचे अगर कोई सा भी नंबर होगा, हमेशा आंसर क्या आना है, 0 आना है। तो कैसी वेलोसिटी मिली हमें, जीरो वेलोसिटी हमें यहाँ मिल गई। तो आई बात समझ में, कैसे जीरो वेलोसिटी होती है, कैसे पॉजिटिव वेलोसिटी होती है और कैसे निगेटिव वेलोसिटी होती है। अब ये वेलोसिटी तो ये थी कि निगेटिव पॉजिटिव कोई भी हो सकती है। अब वेलोसिटी के भी 2 टाइप होते हैं, जैसे स्पीड के भी 2 टाइप होते थे, ऐसे ही वेलोसिटी के भी कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप। पहला टाइप एवरेज वेलोसिटी, दूसरा टाइप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी कैलकुलेट करना, है ना, जैसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर स्पीड कैलकुलेट की थी उसे बोलते थे इंस्टेंटेनियस स्पीड, ऐसे ही किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी कैलकुलेट करने को बोलते हैं क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी आती है। एवरेज वेलोसिटी क्या है, जैसे कहीं तुमने बाइक की स्पीड इंक्रीज की, कहीं डिक्रीज की, कहीं कांस्टेंट रखी, तो टोटल ओवरऑल जो स्पीड होगी या वेलोसिटी होगी वही एवरेज वेलोसिटी कहलाएगी। और फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो एवरेज वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो वही बात करेंगे आज हम यहाँ, क्या बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वो टाइप ऑफ वेलोसिटी। देखो भैया, टाइप ऑफ वेलोसिटी की बात करते हैं, लिखो हेडिंग टाइप ऑफ वेलोसिटी। टाइप ऑफ वेलोसिटी है ना, तो कितने टाइप को होती है वेलोसिटी, देयर आर टू टाइप
ऑफ वेलोसिटी, ऑफ वेलोसिटी। नंबर फर्स्ट क्या होगा? नंबर फर्स्ट होगा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। और नंबर सेकंड क्या होगा? नंबर सेकंड होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिफाइन करते हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। चलो भाई एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट, है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट, कितने डिस्प्लेसमेंट तुमने कवर किया टोटली, और टोटल टाइम। लेकिन इट इज़ अ रेशियो ऑफ, इट इज ए रेशियो ऑफ, रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट टू दी टोटल टाइम, टोटल टाइम। ठीक, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वी एवरेज इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो ये तो थी भैया एवरेज वेलोसिटी की बात, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। और एक फॉर्मूला और होता है इसका, और एक फॉर्मूला और होता है एवरेज वेलोसिटी का, क्या? वी एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है भैया? इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी ही दे रखी है तो कैसे निकालेंगे? अपॉन टू। इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी अपॉन टू भी किसका फॉर्मूला होता है? एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्वेश्चन करें इसके कुछ, समझ में आई बात एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? अरे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, इसमें पूछा है फाइंड एवरेज वेलोसिटी, फाइंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। किसकी एवरेज वेलोसिटी बतानी है? देखो जरा यहाँ दे रखा है हमें क्वेश्चन, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से गया ये यहाँ, ठीक है, 5 मीटर चला ये यहाँ, कितने टाइम में? टी इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड में ये 5 मीटर चला। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ऐसे भी ठीक, आगे बढ़ा वो क्या, ऐसे कितने मीटर चला? 6 मीटर चला, कितने सेकंड में? 3 सेकंड में 6 मीटर चला सी पॉइंट पे। उसके बाद ये यहाँ से ये हुआ रिटर्न, रिटर्न होकर के वापस आया यहाँ, और ये कितना 3 सेकंड में कितने मीटर चला? ये 3 सेकंड में 5 मीटर चला है ये। तो हमसे कहा गया क्या? एवरेज वेलोसिटी बताइए, क्या बताइए? एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक की? पॉइंट ए टू डी। तो वे लिखा फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए टू डी, ए से डी तक की क्या बतानी है? एवरेज वेलोसिटी। तो देखो भैया कैसे निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी? वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कौन कौन सा है? देखो यहाँ से यहाँ 5 प्लस यहाँ से यहाँ 6, और फिर आगे पीछे माइनस के 5 अपॉन, अरे पीछे आया तो माइनस हो जाए, अरे जितना आगे बढ़ा उतना ही पीछे, तो माइनस। डिस्प्लेसमेंट है ये, डिस्टेंस होता तो पॉजिटिव ही रहता है ये भी। ठीक, टाइम कितना हुआ? 2.5 प्लस 3 प्लस 3, तो क्या आएगा? देखो ये 5 से 5 कैंसिल, 6 अपॉन 6 और 8.5, पॉइंट हटाएंगे जीरो बढ़ाएंगे, 12 से कटे 5 से कटेगा 12 अपॉन क्या आएगा? 5 × 5 = 7 ये मीटर पर सेकेंड। यहाँ से ऐसे एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट की जा सकती है, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन नंबर टू की अगर हम बात करें, क्या है क्वेश्चन नंबर टू की? एक सर्कल है भैया, ये सर्कल है, यहाँ से पॉइंट ए ने चलना स्टार्ट किया, पॉइंट ए ने चलना स्टार्ट किया, इसकी रेडियस अगर कितनी हो? 2 मीटर। इसकी रेडियस कितनी हो? 2 मीटर। तो पॉइंट ए ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ऐसे चलते 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 वापस पॉइंट ए पे आया, है ना, वापस पॉइंट ए पे आया, कितने टाइम में? 5 सेकंड में, है ना, 5 सेकंड में पॉइंट ए से चल के वापस पॉइंट ए पे आया। तो एवरेज वेलोसिटी बतानी है, क्या बतानी है? एवरेज वेलोसिटी बतानी है, या वेलोसिटी बतानी है, जो भी चीज़ पूछे क्या बतानी है? फाइंड वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी इफ पार्टिकल रिटर्न इन 5 सेकंड एट पॉइंट ए। अगर पॉइंट ए पे पार्टिकल रिटर्न हो जाए 5 सेकंड के अंदर अंदर, तो क्या बतानी है हमें इसकी?
एवरेज वेलोसिटी। तो कैसे निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी, हम निकालना जानते हैं वेलोसिटी हो या एवरेज, इस केस में तो कोई सी भी वेलोसिटी हो सब आपको पता है क्या होने वाला है, v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, पॉइंट ए से चला पॉइंट ए पर डिस्प्लेसमेंट कितना जीरो, अरे जहां से चला वहीं आया, टाइम कितना लगा 5 सेकंड, कितना आई जीरो, तो जीरो मीटर पर सेकंड। लो इतना सा बात था, इतनी सी बात थी, मतलब ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज वेलोसिटी या वेलोसिटी, क्योंकि देखो जहां से रिटर्न हुआ वहीं पे वापस आया है, जहां से रिटर्न हुआ वहीं पे वापस आया है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका, जीरो हुआ, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं वेलोसिटी के क्वेश्चन, और करते हैं क्वेश्चन, टेंशन मत लो अभी हम कराएंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, और देखो वेलोसिटी के क्वेश्चन कैसे होने हैं, क्वेश्चन नोट कर लेना वीडियो पॉज करके, कभी देखते रहो और हुआ क्या ये, है ना। ठीक है चलो भाई, बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर थ्री की। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर थ्री कहता है भैया ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए से यह ऐसे गया पॉइंट बी पे, डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, 7 मीटर दे रखी है रेडियस। हमसे क्या कहा गया, हमसे पूछा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का रेशो बताओ, क्या पूछा है, फाइंड द रेशो ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू द एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी टू द एवरेज स्पीड। ठीक है, कहां से कहां तक, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक पहुंचने के लिए। बढ़िया क्वेश्चन है, देखो अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करते हैं, पहले बात करते हैं वेलोसिटी की, इस चलो डिस्टेंस की बात, वो वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी देखो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट कौन सा, ये वाला, अरे ये तो होगा शॉर्टेस्ट पाथ, यहाँ से यहाँ कितना होगा 7+7 अपॉन टाइम कितना लगा, टाइम सेम ही लगेगा है ना, इन 5 सेकंड कह दो, ठीक, तो 5 सेकंड, तो क्या आया 14/5, ये वेलोसिटी हो गई। ऐसे हमें निकालना होगा स्पीड, स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस आएगी स्पीड में अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितने है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होती है पाई आर अपॉन टाइम क्या है 5 ही है, पाई आर की वैल्यू कितनी है 7/5, दोनों को क्या करो रेशो, तो वेलोसिटी कैपिटल अपॉन वेलोसिटी स्मॉल इज इक्वल टू क्या आएगा 14/5/7π/5, 5 से 5 कैंसिल क्या बचेगा 14/7π, 7 × 2 = 14 क्या आएगा 2/π, या भैया रेशो दोनों का है ना, रेशो आया है, आई बात समझ में, अगर टाइम सेम है तो टाइम अलग अलग हो तो अलग अलग आ जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, तो कोई दिक्कत यहाँ तक, क्वेश्चन कर सकते हो आराम से, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, वेलोसिटी का स्पीड का सारे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो जहाँ तक मैं जानता हूँ, है ना। मान लो और क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर फोर की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर फोर में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर फोर में कहा है कि भैया क्या पूछा है, लो भैया यहाँ से यहाँ तक V1 वेलोसिटी से चलती है कोई ट्रेन, है ना, इसने कहा है कि पॉइंट ए से एक पार्टिकल कितनी वेलोसिटी स्टार्ट करता है 5 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट करता है, और पॉइंट बी पे आकर ये कितना हो जाता है 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है, पॉइंट ए पे 5 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट करता है, और पॉइंट बी पे आके कितने मीटर पर सेकंड की स्पीड पकड़ लेता है 10 मीटर पर सेकंड की। हमसे कहा गया क्या एवरेज वेलोसिटी बताओ, क्या बताओ, फाइंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो फाइंड एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब इसमें कोई डेटा नहीं दे रखा, 2 वेलोसिटीज दे रखी है, एक पहली वाली एक दूसरी वाली, मतलब एक इनिशियल एक फाइनल, तो कैसे करते हैं वेलोसिटी, अगर ध्यान रखना वेलोसिटी का ही फॉर्मूले में यूज होगा ये वेलोसिटी के लिए एप्लीकेबल है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, स्पीड में मत कर देना वरना गलत हो जाएगा। तो क्या जाएगा, देखो इनिशियल वेलोसिटी यू कहता है इनिशियल वेलोसिटी को, फाइनल को स्मॉल वी कहते हैं, अपॉन 2 लगा देंगे, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5, फाइनल वेलोसिटी क्या है 2/2, तो क्या आएगा 15/2 या 7.5 मीटर पर सेकंड। ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या एवरेज वेलोसिटी, जब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दे रखी हो तब भी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ही गिवन होगी तभी कर सकते हैं, वेलोसिटी से भी वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी फाइंड की जा सकती है। बात करते हैं क्या, ये तो था टाइप था वेलोसिटी का, बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखो इसमें कुछ समझना नहीं, क्योंकि सिलेबस में हमारा इतना होता नहीं, बस टाइप 2 नंबर बता रहा मैं क्या होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. क्या होती है भैया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? वेलोसिटी एट ए इंस्टेंट. क्या होती है? वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, है ना. वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना. जैसे बाइक का स्पीडोमीटर देखा है ना, जब बाइक चलाते हैं स्पीडोमीटर, तो वो जो सुई है, वो जो निडिल है स्पीडोमीटर की, वो स्पीड बताती रहती है लगातार. जब तुम बढ़ाते हो रेस, तो वो स्पीड लगातार चेंज होती रहती है. जब तुम एक्सेलरेटर चेंज करते हो, तो स्पीड लगातार चेंज होती है. तो वो क्या बताता है एक्चुअल में? एक्चुअल में स्पीडोमीटर इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को बताता है, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की वेलोसिटी बताती है निडिल जो होती है, है ना. तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को बताता है. तो अगर पूछा जाए कि बताओ स्पीडोमीटर कौन सी वेलोसिटी मेजर करता है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मेजर करता है. लिख लेना ये. क्या लिखोगे? स्पीडोमीटर मेजर इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी. ठीक है, तो इस लेक्चर जैसा भी लगा हो कमेंट करके बता देना. तब तक के लिए थैंक यू. नेक्स्ट लेक्चर आएगा अब. ठीक.